हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से आज के एक नए वीडियो पर स्वागत है। आप सभी को मालूम है कि रविवार का दिन फिर से वापस आ चुका है और हर बार की तरह रविवार के शाम को मैं संडे कमेंट स्पेशल वीडियो लेकर के आता हूं। इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट संडे के लिए आए हुए हैं। चलिए इस सप्ताह के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसके पहले इस दौरान पिछले एक दो सप्ताह में जो भी नए लोग जुड़े उनको मैं बता दूं, संडे के शाम को संडे कमेंट स्पेशल वीडियो आता है जिसका आंसर स्क्रीनशॉट लेकर के यहां पर बताया जाता है। तो आपका कोई क्वेश्चन संडे कमेंट्स के लिए हो तो जहां भी क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा, चाहे वो इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर या फिर नीचे वीडियोज के नीचे कमेंट कीजिएगा, जरूर लिखिएगा इसका आंसर संडे को दे ताकि उसको सर्च करके वीडियो में लाना आसान हो पाए। तो इस सप्ताह के लिए संडे कमेंट का पहला कमेंट जो है शांति देवी नाम से मेरे सर्च में आया हुआ है। इन्होंने लिखा है कि भैया पोषण अभियान का पैसा जो है कब से मिलेगा भोजपुर जिला में, यानी कि पोषण अभियान का जो भी इंसेंटिव मिलता है, इनका कहने का मतलब है पोषण अभियान का या पोषण ट्रैकर ऐप का जो भी काम जो सेविका समय से करती है उसका इंसेंटिव यानी कि प्रोत्साहन राशि जो है वो कब तक मिलेगी, इसके बारे में ये जानकारी चाहती हैं। अभी हाल फिलहाल में 10-5 दिन पहले जो है कई सेविकाओं को कई जिलों में जो है कहीं पर 1000, कहीं पर 1500 और कहीं पर 2500 रुपये तक प्रोत्साहन राशि भेजी गई है। अगर आपके जिले में आएगा तो एक बार में सभी सेविकाओं को आएगा जिन्होंने काम अच्छे तरीके से किया है या पोषण अभियान पोषण महीने में सही तरीके से एंट्री की है। तो इसके लिए इंतजार करना होगा, विभाग आवंटन के हिसाब से कभी किसी जिले में पहले कभी किसी जिले में बाद में पैसा भेजता है। नेक्स्ट कमेंट आयुष नाम से आया हुआ है। लिखते हैं कि अतुल भैया संडे कमेंट्स में बताएं, हम दरभंगा जिला की सेविका हैं, हमारे यहाँ LS बहाली निकला है जिसमें मेरा योगदान 29 सितंबर 2014 को दिया गया था, जो कि ऑफिस की तरफ से कहा जा रहा है कि 10 साल नहीं पूरा हुआ है, आप नहीं भर सकते हैं, संडे कमेंट में बताएं प्लीज। देखिए सेविका से सुपरवाइजर बनने के लिए, बहुत ही ध्यान समझिएगा, सेविका से सुपरवाइजर बनने के लिए यानी कि प्रमोशन वाली बहाली जो है जिस जिले में भी आई हुई है, मैंने एक पूरा नियमावली का स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है 7-8-10 मिनट का, उसको आपको ध्यान से देखना है। उसमें मैंने एज क्राइटेरिया के साथ साथ जो है वो ये भी बताया कि कौन सी सेविका जो है फॉर्म भर सकती है जो सुपरवाइजर बन पाएंगी। यहाँ पर आपको कुछ दिनों से चूक होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपका योगदान, ध्यान दीजिएगा मैं आपको डेट ही बता देता हूँ, अगर किसी भी सेविका का योगदान जो है 1 जनवरी 2014, ध्यान से सुनिएगा, 1 जनवरी 2014 से पहले हुआ है, सिर्फ वही सेविका जो है LS के लिए प्रमोशन के लिए बहाली वाली फॉर्म भर सकती हैं। क्योंकि 1 जनवरी 2014 से अगर 10 वर्ष अगर आप काउंट करेंगे तो वो जो है 1 जनवरी 2024 आता है और 1 जनवरी 2024 को डेट काउंट किया जा रहा है। इस हिसाब से आपका जो योगदान का डेट था वो 29 सितंबर था, लगभग 8-10 महीने से आपका जो है ये बहाली छूट जाएगा क्योंकि आपने सितंबर में योगदान आपका हुआ था। अगर जनवरी 2024 से पहले हुआ रहता, एक दिन भी पहले होता तो आप फॉर्म भर सकती थी, इसलिए आप एलिजिबल नहीं हैं। नेक्स्ट कमेंट अशोक राज ब्लॉग्स नाम से आया हुआ है। लिखते हैं कि स्नेहलता देवी सेविका केंद्र संख्या 81 सतजोरी प्रखंड गोरियाडीह भागलपुर बिहार, बिजली मीटर तार सब कनेक्ट है, बिजली कभी नहीं चला, 1055 का भुगतान करने का मैसेज आया है, ऑफिस में कहना है सरकार फ्री देगा जब सबका मीटर लग जाएगा, अतुल जी बताए क्या करें। मैंने बिजली के बारे में कल ही आप सभी को बताया मीटर के बारे में और उसका पूरा डिटेल बताया कि अगर आपने कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है, आपके केंद्र पर अगर बिजली मीटर तार वगैरह लग गया, आपका बिजली बिल बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया कि ये जो है कमर्शियल कनेक्शन आंगनबाड़ी केंद्र पर देना है, जब कैबिनेट की मीटिंग हुई तो उसमें आया था नोटिफिकेशन में कि कमर्शियल कनेक्शन देना है और उसमें जो है फिक्स्ड डिमांड, जी हाँ फिक्स्ड डिमांड जो है लगता है, आप बिजली यूज करें या नहीं करें आपको 180 रुपये के लगभग हर महीने आपको इतना पैसा तो देना ही होगा, ये फिक्स डिमांड है क्योंकि कमर्शियल कनेक्शन आंगनबाड़ी केंद्र पर देना है। अब समस्या ये आ रही है कि सरकार ने कहा था कि पैसा हम देंगे, बिजली का हम भुगतान करेंगे, तो आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि विभाग जो है किस प्रकार काम करता है, मीटर लग गया बिजली लग गया लेकिन उसका पैसा तब मिलेगा जब आवंटन आएगा या विभाग का ध्यान उस पर जाएगा या सभी सेविका के यहाँ चीज़ें लग जाएंगी। तो दिक्कत यह जिन्होंने पहले लगवा लिया उनको थोड़ी सी परेशानी देखने को मिलेगी, बाकी ये पैसा जो है यहाँ पर भुगतान करने का निर्देश है तो वो करना होगा। नेक्स्ट कमेंट नीलू कुमारी नाम से आए हुए, लिखती है कि अतुल भाई ये बताए कि सेविका होने के बावजूद आगे की पढ़ाई कैसे करें, इंटर तक पढ़ी हूँ, मेरा BA में 2016 में नेम लिखाया था, मैं एग्ज़ाम
कोई कारणवश नहीं दी थी, क्या उसी नेम पर एग्जाम दे सकती हूँ? जरूर रिप्लाई दीजिएगा। सबसे बड़ी बात, अभी आप एक सेविका के तौर पर जो है कार्यरत हैं, यानी कि आप काम कर रहे हैं विभाग का, तो यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर ध्यान दीजिएगा, रेगुलर बेसिस पर आपको कोई कोर्स नहीं करना है। रेगुलर का मतलब कि अपने आसपास के कॉलेज यूनिवर्सिटी, जैसे कि अगर आप बिहार से तो बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, या फिर मिथिला यूनिवर्सिटी, या फिर LNMU दरभंगा यूनिवर्सिटी, इन सारी जगहों से आप रेगुलर कोर्स से पढ़ाई नहीं कर सकते। रेगुलर का मतलब होता है कि आप वहाँ पर क्लास करने जाएंगी, आपको प्रैक्टिकल देने जाना होगा, आपको एग्ज़ाम, ये सारी चीज़ें करनी होगी। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपको आगे ग्रेजुएशन करना है तो आप IGNOU यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से आप एडमिशन करा करके आराम से कोर्स कर सकती हैं। ये लीगल होता है उन लोगों के लिए जो पहले से कोई काम कर रहे हैं या किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं, तो ये डिस्टेंस लर्निंग इसको कहते हैं। इसकी डिग्री आपकी हर जगह वैलिड होगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि काम करते हुए आपको डिस्टेंस कोर्स ही करना होता है। तो इस सप्ताह का सबसे लास्ट कमेंट जो है टुमराव BS ग्रामीण नाम से आया हुआ है, लिखते हैं कि बिहार शरीफ ग्रामीण के सेविका नालंदा से मेरे यहाँ पर मीटर लगाया गया है और उपयोग में नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा बिजली का बिल आया है, इसका कोई उपाय बताए क्या करें? देखिए, सबसे पहले एक लिखित शिकायत अपने ICDS ऑफिस के साथ साथ अपने जो बिजली ऑफिस है आपके आसपास वहाँ पर करें। इसके बाद जो है, सबसे पहली बात मैंने 2-4 दिन पहले बताया था कि आप अगर ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा, आपके यहाँ अगर बिजली मीटर लग जाए और सारी चीज़ें कनेक्शन दे दी जाए तो आपका बिजली का बिल अनिवार्य रूप से आएगा, और हर महीना में 180 रुपये के आसपास जो है आपका फिक्स चार्ज लगता है, क्योंकि कमर्शियल कनेक्शन देना है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना था। बाकी इसका पैसा विभाग और सरकार जरूर देगी, 50 यूनिट का खर्चा सरकार देगी, बाकी जो भी कनेक्शन लगा उसका खर्चा देगी, लेकिन कब देगी इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। कैबिनेट में पास हुआ था, इसमें समय भी लग जाता है। तो फाइनली इस सप्ताह के संडे कमेंट स्पेशल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा जो भी क्वेश्चन कमेंट मैंने डिस्कस किए उससे आपको कुछ न कुछ फायदा मिला होगा, जानने सीखने समझने को मिला होगा। सारे क्वेश्चन मैं कवर नहीं कर पाता, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो कोई इंपॉर्टेंट और जरूरी क्वेश्चन मुझसे छूट गया, रिलीज, और इसके लिए आप सीधे मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट करके वहां पर पूछ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसका मैं आंसर जरूर दूंगा। फाइनली इस यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।